आपके ग्रांड अकाउंट में दे। और मैं एक अनाउंसमेंट और आज करना चाहती हूँ उसी के साथ। अब मेरा अपना एनजीओ है एनरिचिंग लाइफ फॉर डेवलपमेंट, उसकी पोस्ट में रीना जी के हाथों से दिलवाना चाहती हूँ। विकास कुमार जी हैं, करते दुर्गा पांडे, नेहा शर्मा, कविता, पूजा कटारिया, स्वागत करें सर। आप एक एनजीओ भी चलाती हैं और साथ में मंडल अध्यक्ष, दोनों पदभार कैसे संभालेंगी? जी मैं बहुत ही मैनेज करके चलती हूँ महिला मोर्चा की टीम को भी और अपने एनजीओ के प्रति भी मेरी पूरी लगन है। ये मैं 2017 से वर्क कर रही थी एनजीओ के ऊपर जी, और लेकिन मैंने अभी एनजीओ रजिस्टर मेरा अभी हुआ है 2018 में, तो मुझे पहले से बहुत शौक है कि मैं किसी की हेल्प करूँ। निर्धन असहाय जो लोग हैं, महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, जो उनके ऊपर काम कर रही हूँ। और एक काम मैं कर रही हूँ कि बेटी फेंको नहीं, बेटी हमें दो, इसके ऊपर मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है जी। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ मुझे मिलेगा, इसके ये मेरा प्रोजेक्ट पूरा होगा। इसके लिए मैं फंड भी इकट्ठा कर रही हूँ और इसके लिए इसके ऊपर जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा कि बेटी फेंको नहीं, बेटी हमें दो। आज जी क्या कहना है, आखिर क्यों जुड़े इतनी संस्था, तो और भी एनजीओ और भी खुली हुई हैं, इसी एनजीओ से क्यों? हमारे मैडम की वजह से हम जुड़े, ये बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती है। मैं अपनी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मीना मैम हमारी बहुत अच्छी साहसी कर्तव्य निष्ठा और बहुत ईमानदार महिला है। इन्होंने एनजीओ का नाम भी इतना अच्छा रखा है, एनरिचिंग लाइफ, इससे ही पता चल रहा है कि ये कितना अच्छा है। एनरिचिंग का मतलब ही समृद्ध, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए और उनको रोजगार के लिए अच्छी शिक्षा देना ही हमारा देते हैं। मेरा आगे इसके ऊपर कार्य चल रहा है कि लड़कियां फेंके नहीं, बेटियां हमें दें जी। हम उनका पालन पोषण करेंगे, हम उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे और ऊंचाई तक ले जाएंगे। आप बेटी फेंके नहीं, बेटियां हमें दें, इसके ऊपर मेरा पूरा जोर शोर से चल रहा है। जैसे ही फंड इकट्ठा होगा इसके ऊपर हमारा कार्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे को यहाँ का काम अच्छा लगा है तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं इसमें सहयोग करूँ। ऐसा क्या काम कर रही है? हाँ, मेरे को इनका बेटियों का काम बहुत अच्छा लगा है कि आज के टाइम में बेटियां थोड़ा पीछे रह जाती हैं, तो इनकी सहायता से वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। दुर्गा जी क्या कहना चाहेंगी, नाम भी दुर्गा पांडे और जी। मैं इसलिए जुड़ी हूँ कि ये मैम बहुत अच्छी हैं, विश्वासी हैं, हम लोग की केयर भी करती हैं, और इसलिए भी कि गरीब को सहारा देने के लिए हम मतलब जुड़े हुए हैं जी। जो मतलब ज़्यादा फीस दे करके ना वो पढ़ सके, उनको हम पढ़ा सकते हैं, ब्यूटीशियन सिखा सकते हैं, सिलाई सिखा सकते हैं, कि वो भी अपने पैर पे खड़े हों और अपना कुछ करें। एनजीओ मीना जी बहुत अच्छा काम करती हैं, गरीब बच्चों के लिए समय समय पर जाके उनको पढ़ाती भी हैं और ज़रूरत का सामान भी उपलब्ध कराती हैं। और जैसे अभी पीछे इन्होंने 15 अगस्त भी मनाया, बच्चों को कपड़े वो भी दिए इन्होंने, और ये मैं इसीलिए इनके साथ जुड़ी हूँ ताकि इनके साथ रह के मैं भी मतलब ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकूँ जो मतलब खुद अपने लिए नहीं कुछ कर पाते हैं, लेकिन हम उनको पढ़ाई में और आगे उनकी मदद कर सके ताकि वो आगे वो बच्चे भी और सब बच्चों की तरह पढ़े लिखे और आगे कुछ बन सके।